आज सुबह मुझे बिना चाय पिए घर से निकलना पड़ा क्योंकि दूध ही खत्म हो गया था। और मेड ने बोला तो सही पर मेरे पास पैसे ही नहीं थे। आजकल तो सब काम क्रेडिट कार्ड से होता है या कार्ड से होता है, तो पैसे भी नहीं थे। ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। इतनी अजीब बात है ना। अब जब ये खत्म हो गया, खत्म जो वर्ड है हिंदी में कि दूध खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए या बैटरी खत्म हो गई, नेट खत्म हो गया, मूवी खत्म हो गई, इन सब के लिए, खत्म के लिए क्या हम हर बार फिनिशी वर्ड यूज करेंगे क्या कि द मूवी इज फिनिश्ड या मूवी वॉज फिनिश्ड, मिल्क वॉज फिनिश्ड या मनी वॉज फिनिश्ड? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हिंदी में चाहे आप एक ही वर्ड यूज करें पर इंग्लिश में हर सिचुएशन के लिए, हर चीज के साथ आपको अलग अलग वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, सीखना तो पड़ेगा ना। तो चलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और सीखिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं घर के सामान से। घर में अगर कोई सामान खत्म हो जाता है ना, जैसे चीनी है, दूध है, चाय पत्ती है, अदरक है, चाय ही याद आ रहा है मुझे क्योंकि सुबह चाय जो नहीं पी। तो अगर कोई भी सामान खत्म हो जाता है ना, तो उसके लिए फिनिश वर्ड का यूज नहीं करते, हम बोलते हैं रन आउट। जैसे दूध खत्म हो गया, मिल्क हैज रन आउट, या चीनी खत्म हो गई, शुगर हैज रन आउट, अदरक खत्म हो गया है, सो अदरक, जिंजर, जिंजर हैज रन आउट। आप ये भी बोल सकते हैं कि देर वॉज नो जिंजर एट माई होम, क्या अदरक नहीं था। पर ये नहीं था, खत्म के सेंस में हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं। हम पर्टिकुलरली खत्म जब बोलते हैं ना कि अदरक खत्म हो गई है, तो उस सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि देर वॉज नो जिंजर, यू कैन सिंपली से वी आर रन आउट ऑफ जिंजर, जिंजर खत्म हो गया है, हमारे पास जिंजर नहीं है, अदरक नहीं है। सो अगर घर में कोई भी सामान खत्म हो गया, घर के सामान की बात कर रहे हैं, कोई भी सामान हो, तो उसके लिए हम रन आउट का यूज करेंगे। खत्म हो गया, खत्म होना, रन आउट। अब इसी तरह से पैसे खत्म हो गए, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, सो खत्म होना, पैसे खत्म होना, आउट ऑफ, आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। या ही इज आउट ऑफ मनी माई फ्रेंड, उसके पास भी पैसे खत्म हो गए हैं, सो ही इज आउट ऑफ मनी। इफ यू विल स्पेंड लाइक दिस सून यू विल बी आउट ऑफ मनी, अगर आप इसी तरह से खर्च करते रहे तो जल्द ही आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। अब ये बहुत ही इनफॉर्मल सेंटेंस में आपको बताने जा रही हूँ। वैसे हम बहुत कम ही इस चीज का यूज करते हैं पर पता होना चाहिए, जब कोई गुजर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं ना, अरे कौन खत्म हो गया। सो वैसे ये बोलना अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग, बट किसी इंसान का चला जाना, खत्म हो जाना, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे पास अवे। रिमेंबर, पास अवे, हु हैज पास्ड अवे, कौन खत्म हो गया है या कौन गुजर गया है। जब बोलते हैं ना, अरे उसके चाचा जी खत्म हो गए हैं, गुजर गए हैं, गुजर गए बेटर वर्ड है, उसे ही यूज कीजिएगा। ये खत्म हो गए इज वेरी इम्पोलाइट, इनफैक्ट मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो यू कैन से हिज अंकल पास्ड अवे। सो खत्म हो गए, किसी इंसान के चले जाने को हम बोलते हैं पास्ड अवे। अब समय खत्म हो गया, एग्जाम आते हैं, जब आप टेस्ट लिखते हैं, एग्जाम लिखते हैं, तो मैडम बोलती है ना, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, गिव मी द शीट, आंसर शीट, गिव मी द आंसर शीट। सो योर टाइम इज फिनिश्ड बोलती है क्या? नहीं, क्या बोलती है, योर टाइम इज ओवर, गिव मी द आंसर शीट, आपका समय खत्म हो गया है, गिव मी द आंसर शीट, अपनी आंसर शीट मुझे दे दीजिए। माई वर्क वॉज अबाउट टू कंप्लीट बट टाइम वॉज ओवर, मेरा काम बस खत्म ही होने वाला था पर समय खत्म हो गया था, इसलिए मेरा काम इनकम्प्लीट रहे। अब फिल्म खत्म होना, नाटक खत्म होना, या आजकल के सीरियल्स होते हैं ना, चलते ही जाते, पता नहीं कब खत्म होंगे। सो नाटक, धारावाहिक, सीरियल्स या फिल्म खत्म होना, उसके लिए हम एंड वर्ड का यूज करेंगे। व्हेन विल दिस सीरियल एंड,
ये सीरियल कब खत्म होगा, या द पपेट शो वॉज एंडेड, पपेट शो खत्म हो गया है, द मूवी वॉज एंडेड, मूवी खत्म हो गई है। सो कोई भी मूवी, थिएटर शो या सीरियल्स, इन सब के खत्म होने के लिए आप एंड वर्ड का यूज करेंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है क्या, कैसी बातें कर रहे हो? सो दिमाग खत्म हो गया या खराब हो गया, लूज योर माइंड, हैव यू लूज योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है? या आप बोल सकते हैं डिड यू लूज योर माइंड, क्या आप अपना दिमाग खो चुके हैं? सो खो चुके, खत्म हो गया या काम नहीं कर रहा है, इन सब के लिए आप लूज योर माइंड का यूज करेंगे, लूज समवन्स माइंड। इतने हेक्टिक डे के बाद है ना, मेरा दिमाग खत्म हो गया, आई हैव लॉस्ट माई माइंड आफ्टर सच अ हेक्टिक डे। सो दिमाग खत्म होना, दिमाग खराब होना, लूज माइंड, समवन्स माइंड। अब अभी अभी बात की थी काम खत्म होना, कोई भी काम खत्म होने के लिए हम फिनिश वर्ड का यूज करते हैं, जो कि प्रॉपर वर्ड है खत्म का। खत्म के लिए आप फिनिश वर्ड का यूज कर सकते हैं, यू शुड फिनिश योर वर्क, आपको अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मैं अपना प्रोजेक्ट कल तक पूरा कर लूंगी, खत्म कर लूंगी। खत्म करना, फिनिश। कैन यू फिनिश योर वर्क बाय टुमारो, क्या आप कल तक अपना काम खत्म कर लेंगे? सो रिमेंबर, काम खत्म करना, फिनिश। अब रिश्ता खत्म करना, अब ये रिश्ता कपल्स भी खत्म कर सकते हैं, कपल्स के बीच में लड़ाई हो जाती है तो खत्म हो जाता है, या नॉर्मल भी देखते होंगे ना कि कभी रिश्तेदारों में भी लड़ाई हो जाती है छोटी मोटी, और उसकी वजह से रिश्ता खत्म कर लेते हैं। सो रिश्ता खत्म करना, ब्रेकअप या ओवर, माई रिलेशनशिप विथ यू इज ओवर, मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ अब खत्म हो गया। शी रिसेंटली ब्रोक अप विथ हर हस्बैंड, उसने हाल ही में अपना रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ खत्म किया। हम इसे ये भी बोल सकते हैं, हर रिलेशनशिप विथ हर हस्बैंड इज ओवर, उसका रिश्ता उसके हस्बैंड के साथ अब खत्म हो गया है। सो रिश्ता खत्म होना, ओवर या ब्रेकअप। फोन की बैटरी खत्म होना, बैटरी खत्म होना फोन की, गेट ड्रेन, द बैटरी ऑफ माई फोन वॉज ड्रेन्ड या गॉट ड्रेन्ड, मेरे जो फोन की बैटरी है वो खत्म हो गई, गेट का पास्ट फॉर्म हुआ गॉट, सो द बैटरी ऑफ माई फोन गॉट ड्रेन्ड, द बैटरी ऑफ माई फोन नेवर गेट्स ड्रेन, मेरे फोन की बैटरी कभी भी खत्म नहीं होती, सो बैटरी खत्म होना, गेट ड्रेन। तो देखा आपने किस तरह से अलग अलग चीजों के साथ हमने खत्म होने की इंग्लिश अलग अलग यूज की, यही तो इंग्लिश की खासियत है। आई थिंक अब आपको पता है कि कब आपको रन आउट का यूज करना है, कब फिनिश का यूज करना है, कब एंड का यूज करना है, खत्म वर्ड के लिए, जो हिंदी में खत्म वर्ड है उसके लिए। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइमर हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे बेल आइकन को प्रेस करने पर। ओके, सो मैं यहाँ पर अपने वीडियो को खत्म करती हूँ, एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।